सो मेरा नाम अंश मेहरा है एंड बाई एजुकेशन आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज मुझे रियलाइज हुआ कि यार प्लेसमेंट में अच्छी सैलरी पाने के लिए आई नीड टू डू समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग तो मैंने एक नया फील्ड पिक करा विच इज़ यू एक्स डिज़ाइन बहुत सालों तक मैंने यू एक्स डिज़ाइन ही परस्यू किया आई ज्वाइन स्विगी स्विगी के बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करा बट लास्ट नवंबर मैंने ऑफकोर्स चाय जी पी टी देखा एंड आई वॉज लाइक डूट दिस इज क्रेजी इससे मेरी जॉब पर डायरेक्ट खतरा है जब थोड़ा और डेप्थ में समझ आया तो रियलाइज हुआ मेरी नहीं सबकी जॉब पे खतरा है सो आई स्टार्टेड गोइंग डीप इन टू इट एंड उस टाइम पे कोई यूट्यूब वीडियोज़ नहीं थी तो so, कोई भी अगर आपको लाइफ में नया टेक्नोलॉजी सीखना हो ना यू शुड नॉट गो टू यूट्यूब और बाय अ कोर्स यू शुड रेफर डॉक्यूमेंटेशन तो आई स्टार्टेड डिगिंग डीप इंटू ये चैट जी पी टी और मिड जर्नी का डॉक्यूमेंटेशन मूविंग फॉरवर्ड फिर मैं यूट्यूब पर यह भी सिखाने लग गया अभी यूट्यूब पर मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग स्किल सिखा रहा हूँ जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बट सप्लाई नहीं है तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत यूनिक है तो सिमिलरली ए आई भी में सिखा रहा हूँ एंड एट दिस पॉइंट आई एम कंसल्टिंग वीकेंड्स पे ऑन बिजनेसेस मैं बिजनेसेस को सिखाता हूँ कि आप ए आई को अपने वर्कफोर्स में कैसे यूज कर सकते हैं मेरा ना एक फोर स्टेप चेकलिस्ट है अगर आप वो चेकलिस्ट फॉलो करो तो आपको जीपीटी से जीपीटी नहीं किसी भी ए आई टूल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।, है वो फोर स्टेप चेकलिस्ट सबसे पहले यू नीड टू असाइन अ रोल एक सिंपल यूज केस लेते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है आपको उसकी मार्केटिंग कैंपेन रन करनी ओन ई मेल्स लेट्स अज्यूम है

एंड यू सेट दी एक्सपेक्टेशन अब ये चैट जीपी टी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है एंड फोक्स मैं बार बार सबको यही बोल रहा हूं अगर आप अपने आपको चैट जीपी टी एक्सपर्ट बना रहे हो यूर रनिंग रॉन्ग रेस बिकॉज हो सकता है दो साल बाद ये टूल भी रिप्लेस हो जाए राइटर बी एन एक्सपर्ट इन एवर ऑलवेज है तो ये चेकलिस्ट अगर आप यूज करते हो यू कैन अप्लाई टू एनी टूल आउट देर बट राइट नाउ एज ऑफ दिस मंथ वी आर इन ऑगस्ट चैट जीपीटी द बेस्ट, बिकॉज़ इट हैज बिन बीन ट्रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन लार्जर मॉडल ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिया है मेटा काट इज एक्चुअली फॉर कमर्शियल पर्प ओपन सोर्स तो जैसे ओपन आएगा इट इज असक इट इज ओपन सोर्स बिकॉज इट हेज द वर्ड ओपन इन इट इट इज़ नॉट ओपन सोर्स आप as a business, आपको पैसा देना पड़ता है मेटा uh, कह रहा है यूज करो इट इज ओपन सोर्स एज पावरफुलज चैट जी पी ऑल्सो अवेलेबल फॉर कमर्शल एडवांटेज उसके पास में ही है चैट जीपी के पास मेंसेंट आपने कुछ क्रिएट किया है कुछ आप दिखाना चाहोगे प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली क्या करते हो आप यस बट सर बिफोर इवन शोइंग टाइम लोगो को ना पता नहीं कि एआई क्या है

मशीन लर्निंग के साथ साथ एक और चीज होती है कंप्यूटर विजन जो आपके आजकल रेड रेडलाइट पे सीसीटीवी कैमराज नहीं लग रहे जो पढ़ लेती है नंबर प्लेट क्या है दैट इज कंप्यूटर विजन वो भी ए में आता है आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो तो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक माइक का आइकन आता है आप उस पर टैप करोगे यू कैन टॉक इन टू इट और आपकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है वो भी ए के अंदर आता है तो ए के अंदर एक सिंपल आउटकम है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जब हम प्रोग्रामर्स ने यह सारी कहानी शुरू करी थी ना तो पहले हमारे पास था डिस्क्रिमिनेटिंग मॉडल डिस्क्रिमिनेटिंग मॉडल क्या होता है ये एक मशीन है मैंने मशीन को दस फोटोज डॉग की दी दस फोटोज कैट की दी और एक ग्यारहवीं फोटो दिखाई और उसको बोला ये क्या है तो वो दस फोटो से सीख के समझ जाता था कि ऐसा डॉग दिखता है ऐसा कैट दिखता है तो ये ग्यारहवीं फोटो या तो डॉग की है या कैट की है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता था अभी तक हम यहां तक पहुंचे थे

तभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ गूगल का एक इवेंट हुआ था जिसमें गूगल ने फुल ऑन एआई 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 ऐसे किया था और काफी सारे वीडियोस भी बने थे कि भाई पूरी ट्रांसक्रिप्ट में 50% तो एआई ही है एप्पल का इवेंट हुआ एप्पल नेवर यूज द वर्ड एआई दे केप्ट सेइंग मशीन लर्निंग अब इसके दो बेनिफिट्स हुए पहला मशीन लर्निंग इज द टेक्निकली ऑन अ डीपर लेवल इट इज मोर एक्यूरेट दूसरा एआई के साथ बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस आ गए अब ये अगर मैं आपको बोलूंगा ना आपके ऐप आप में एआई है अब थोड़े एकदम

Awesome. चलो लेट्स ट्राई चाय जीपीटी पी एज वेल अगर कोई भी ऐसा यूज केस है जो आपको लगता है कि हाँ चाय जीपीटी में हम ये बनाते हैं यू टेल मी योर यूज केस लेट मी सॉल्व राइट नाउ आप मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज बताओ देखो मेरे माइंड में ना एक थाट uh, चल रहा है कुछ टाइम से वो क्या है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ मार्केट प्लेस जहाँ पर के जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे आज के डेट में एवरी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बस फर्क ये है कि किसी के नंबर ज्यादा है किसी के कम है, है. तो जिसके ज्यादा हैं वहां पर तो ब्रांड्स डायरेक्ट कनेक्ट कर जाते हैं बट जिनके कम हैं मान लो उनके सिर्फ 500 सौ फॉलोअर है हजार फॉलोअर है तो अगर ये जो माइक्रो इंफ्लुस हैं इसकी हम एक मार्केट प्लेस बना दें जहां पर कोई भी इंसान चाहे उसके पास में 100 फॉलोअर हैं चाहे हजार हैं चाहे दो हजार है वो वहां पर जाए उस प्लेटफॉर्म पे और रजिस्टर कर सके और कोई भी ब्रांड इसमें फिल्टर्स लगा करके शॉर्टलिस्ट करके कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिफाइन किया ब्रांड ने डिफाइन किया कि हमको इस पर्टिकुलर टेरिटरी में इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इस जेंडर के लोगों को टारगेट करना है जिनके मिनिमम इतने फॉलोअर्स हों मान लो हजार से दो हजार के बीच में फॉलोअर हों और जितने फॉलोअर्स होंगे उसी हिसाब से रेट होगा यस फॉर एग्जाम्पल किसी के हजार फॉलोअर हैं तो अब ब्रांड को हजार रुपए देना है उनको जैसे बड़े इन्फ्लुंसर्स हैं उनको मान लो पांच लाख देना है दस लाख देना है तो दस लाख नहीं देना तो नाउ दे कैन रीच आउट थ्रू मोर नंबर ऑफ पीपल एंड देर इज अट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की जब इतने सारे लोगों के थ्रू वो रीच आउट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो ब्रांड के लिए इज गोन टू बी ऑफ यूमेंस वैल्यू ठीक है तो ये एक थॉट है जो मेरे माइंड में चल रहा है तो मान लो अगर ऐसा कुछ हमको डेवलप करना है ठीक है तो कैसे तो? करेंगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ये हमारे को डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेगा यह ब्रेन स्टॉर्मिंग और आइडिएशन में हेल्प करेगा तो जो मैंने आपको यूज केस बताया उससे रिलेटेड हम Correct. कुछ yes. कर सकते हैं हाँ. क्या करेंगे oh. रिसर्च करेंगे? नहीं करेंगे हम इससे ब्रेन करेंगे तो पहले मैं एक परसोना बनाऊंगा आई विल से एक्ट एज सीनियर प्रोडक्ट कंसल्टेंट इन एप्स दैट डील

क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आइदर वे इज फाइन ठीक like, है ऑन माय लेटेस्ट। वेब और मोबाइल वेब ऐप केटर्ड टू इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स इन इंडिया या वर्ल्ड वाइड इंडिया पर लेते हैं ठीक hmm. है इन इंडिया इन द ईयर 2023 पहले अभी मैंने पर्सोना बनाया ठीक That's है that. तो सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट क्रिएट करूंगा आई विल क्रिएट अ पर्सोना एक्ट एज अ सीनियर Startup specialist who is an expert at growing web platforms specific to content creators. You have read all the biggest startup books mentored under Y Combinator, both popular VC school app, and understand Indian. Influencer and creator economy. I will give you an idea. You need to ask me relevant questions till you have utmost clarity. Then you need to coach me on making this idea extremely successful. And profitable from day one. Know that I have a very small team and very little budget. Awesome. Abo hai, can you describe the startup idea to me? Please include the problem you're trying to solve, the target audience, the product or service. तो प्लीज इंक्लूड द प्रॉब्लम डी थिंक द प्रॉब इजे क्रिएटर्स को बिजनेसिस नहीं मिल रहे डी थिंक दैट इज द प्रॉब्लम नहीं जो बिजनेस है ब्रैकेट्स में अब डिफाइन कर रहा हूँ दैट हैज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स

Who don't have any option to monetize their uh, social media accounts? So this platform will enable them to connect with brands directly without any mediator. So I have the problem is split into two parts. For the creators, it is very tough to monetize their followers. They small creators, ha. Ha. For, for the, the small for creators, the small micro creators, it is very ha. tough to monetize their followers. They don't have access. to big brands. Right. For the big brands, it is tough to find the to right reach out to set so of many people creators. Yeah. And to reach out to so many creators. अब मैं देख लेता हूँ मैंने सब कुछ उसका आंसर कर दिया नहीं कर दिया तो उसने बोला कि मुझे अपनी प्रॉम स्टेटमेंट बता दो टारगेट ऑडियंस बता दो टन अब से यहाँ पे हो क्या रहा है कि यही चीज अगर मैं गूगल पे जाता तो गूगल मुझे पांच छह लिंक्स दे देता बोलता यू फिगर इट आउट बट कितना मुझे पर्सनलाइज सोल्यूशन दे रहा so yes. है दिस इज नॉट अंग का ऑल्टरनेटिव इट इज जस्ट अ पावरफुल वर्जन ऑफ गूगल सो नाउ इट संग ग्रेट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इज इंडीड एन इशू आई लास्ट सम फॉलोअप क्वेश्चन सोल्यूशन में हाउ डू इन विजन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आई यू थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट प्लेस वेर ब्रांड्स एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कैन डिस्कवर इच अदर और अ डिफरेंट सोल्यूशन ठीक है

I will not be using my own platform, but we will be using influencers to promote this. Got it. To reach out to micro influencers. Okay. Because we are calling them micro influencers, but that is public at large. Th that could be anyone, like with a social media account. Okay. And as far as brands are concerned, yes, we have collaborations with almost all the redeem brands. So we okay. do have that figured out. Done. So do you want me to answer all of these right now on yes. camera? Yes. Yes. Th yes. Okay? So let me answer all of these one by one and this is very very important ki aapka written clarity hona chahiye jo wo format main that is very very important answer 1 how do you envision solving this problem are you thinking of creating a marketplace yes we will have a marketplace that resembles amazon however in this case the listings would be brand collaborations, and my customer is the micro influencer. Answer. Answer number two How do you plan on generating revenue? Commission from the deals? 20% commission from the deal. We will charge a 20% commission from the total deal value excluding. GST and taxes. Answer three. Monetization. How do you plan on generating revenue? Oh, actually, this was the third answer. Oops. This is my third answer. The second answer is. Because takes a time, but I'm telling you, it's going to be worth it. That's good, Market understanding. Have you done any market research? No. No market research yet. हाउ ऑफन डू दे वॉन्ट टू कोलेबरेट वॉट फीचर वॉन्ट इन द प्लेटफॉर्म नो विजिबिलिटी अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है राइट कितना उनको कोलाबरेट करना है उनका कितना मन है ऑन वीकली बेसिस कोई फ्रीक्वेंसी जो क्रिएटर का आपको लगता हो एस्पिरेशनल, कि इतने तो ब्रांड्स चाहिए ही होते हैं हमारे को दोनों एंड से देखें तो क्रिएटर्स हैं इन्फ्लुसर्स हैं दे वु कोलाबरेट एज मच एज पॉसिबल एंड फ्रॉम दर्ट ऑफ द ब्रांड्स इट डिपेंड्स अपॉन द कांड ऑफ रिजल्टेट इससे हमें भी कितनी क्लैरिटी आ रही है कि क्रिएटर तो बोलेगा भाई हर रोज ही दे दे राइट बट ब्रांड प्रॉब्लम महीने में एक बार बोलेगाट सक्सेसफुल देन आंसर फाइव बजट इज टेन थे डॉलर इन कैश आंसर सिक्स और जाइए दिस वॉज आंसर सिक्स

कुछ भी बेच देगा आपको टीम right हमारे पास में है ठीक है देखते हैं अभी हम है मार्केट रिसर्च कर रहे हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी हाउ डू प्लान टू अट्रैक्ट बोथ फाइनेंसर्स वी हैव गुड डिस्ट्रीब्यूशन solution it's ग्रेट दैट यू हैव क्लियर विजन द मार्केट प्लेस मॉडल इज अ प्रूवन वन इट कैन वर्क वेल

Revenue model seems solid, however, 20% commission could discourage some users, especially those who are just starting out. It might be helpful to have a tiered commission structure where smaller deals incur a smaller commission and larger deals a higher one. Actually, makes sense. <laughs> Competition. If there are similar platforms not doing well, try to understand why. Learn from their mistakes. Ye basic. Hai. Teams and skills wo at development marketing, BD. This is good.

एपीआईज और प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड दिस मार्केट प्लेस है ना देखते हैं करते हैं क्या होता है सो लास्ट में वो बोलता गो जी का वुड लाइक वुड यू लाइक मी टू गो इनटू मोर डिटेल ऑन एनी ऑफ दिस पॉइंट्स और डिस्कस समथिंग एल्स तो हम बात करते हैं बिल्डिंग की ठीक है कैन यू टेल मी प्लेटफॉर्म्स द मोस्ट दैट आर ओपन सोर्स मोस्ट इफेक्टिव हाईली रेटेड दैट कैन हेल्प मी

रिजल्ट इन अ टेबल फॉर्मैट अब इसमें थोड़ा सा इसको खुद भी डेप्थ में जाना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है एक्चुअली ना अभी भी सर्च ही कर रहा होता है ये जो आपको प्रोग्रेशन दे रहा है ना नागन इफेक्ट hmm. ही है hmm. आप बैठे रहोगे देखने okay. so I think के लिए ओके सो आई थिंक वैलिडेशन के लिए उसने कुछ सर्वे दिए है प्रोटोटाइप एंड एमबीपी के लिए वर्ड प्रेस एंड वो कॉमर्स कम्युनिकेशन के लिए स्लैक मैनेजमेंट ट्रेलो डेवलपमेंट गिट

हमें यह समझ आता है कि जितना लोग समझ रहे हैं चैट जीपीटी को या मशीन लर्निंग को कि इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए इसको यूज किया जा सकता है उससे बहुत ज्यादा चीजें करी जा सकती हैं अगर एक इंसान को प्रॉम्प्टिंग करनी आती है तो बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग अगर उसको पता है तो तो वो किसी भी टूल को कैसे भी यूज कर सकता है जी तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसको आप सम करना चाहोगे सर अगर कोई भी स्टूडेंट है या यंग प्रोफेशनल है जिसको डर लग रहा है कि मेरी जॉब जा सकती है प्लीज आइडेंटिफाई कि ये आपको असिस्ट करने के लिए आया है इट इज हेल्पिंग यू डू बेटर वर्क एंड नॉट एक्चुअली रिप्लेस योर वर्क अगर आप अपने डोमेन में एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आप अपने सिर्फ लेवल थ्री की स्किल बेच रहे हो देन यू विल आउटडेटेड अगर आपको अपने करियर को ए आई प्रूफ बनाना है देर आर स्पेसिफिक स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न सबसे पहले विदाउट ए आई अपने सब्जेक्ट की एन टू एंड नॉलेज रखो क्योंकि अगर आपके हैंड्स डर्टी नहीं हुए हैं तो आप ठीक से प्रॉम डाल ही नहीं पाओगे स्टेप नंबर वन अगर प्रॉम्प्ट कहीं से छेप के कॉपी कर भी दिया तो जो आउटपुट आएगा यू विल नॉट बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि ये यूजेबल है कि नहीं है मोर ओवर यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट अभी हमने मिड जर्नी का नहीं रेंडर किया क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं मिड जर्नी रिप्लेस कर देगा ये हो जाएगा अभी मैं आपको मिड जर्नी की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स दिखाऊंगा बोलो कि नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता क्रिएटिव भी, भी नहीं कर सकता इट इज दैट नुआंस्ड सो योर स्टेप नंबर वन इज यू बिकम वेरी गुड एट वॉच यूर डूइंग राइट नाउ वेरी गुड मतलब लेवल फोर से ऊपर होना चाहिए दूसरा मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ हेल्थ में आ गया मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बिकॉज जितना ज़्यादा ये टूल्स पॉपुलर होंगे लोगों की हेल्थ डिग्रेड होगी मेंटल क्लैरिटी डिजॉल्व हो जाएगी बिकॉज एक मैं एक इमेज भी दिखाता हूँ जिसमें दिखा रहे हैं कि ह्यूमन्स आर हुक्ड वाइल मशीन्स आर लर्निंग राइट आप फोन पर चिपके हुए हो उन्होंने ऐसा यूजर एक्सपीरियंस बनाया कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो एंड दीज पीपल आर लर्निंग लाइक क्रेजी प्लीज डोंट बी वन ऑफ दम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो

आइडिया मिलेगा कि अगर वो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो कैसे रखें और सबसे जरूरी किसी को एक चवन्नी भी मत देना चाय जीपीटी और मिड जर्नी सीखने के लिए आपको भी नहीं मैं मैं तो बेचता ही नहीं बच्चों को अच्छा, अच्छा। मैं लकीली बिजनेस को ही कंसल्ट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि भाई बिजनेस इतना कमा रहा है इतना पेरोल है आ, तो इनसे मैं कमा सकता हूँ तो मैं तो YouTube पे फ्री में सिखा रहा हूँ आप मेरे से सीखो किसी से भी सीखो बट सबसे पहले चैट जीपीटी की डॉक्यूमेंटेशन से सीखो मिड जर्नी की डॉक्यूमेंटेशन से सीखो वो सबके फादर फिगर है

मुझे मजा बहुत आता है मुझे बहुत मजा आता है मतलब आप मुझे रात को तीन बजे भी जगा के बोलोगे ना यू एक्स ए आई मैं रेडी हूं तो आपके माइंड में थॉट नहीं आया कि मैं अपने कोर्सेज निकाल दूं इसको सेल करूं नहीं, और ऐसा रीजंस नहीं कि मैं देयर आर आर लॉट ऑफ पीपल हु डूइंग इट बाय द वे मैं आपको बताता हूं इसमें ऐसा नहीं कि मुझे पैसा कमाने का शौक नहीं है देयर आर प्रैक्टिकल रीजंस पहला ये कि जितने भी लोग प्री रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं भाई मुझे एक बात बताओ ये सिलेबस हर 15 दिन में अपडेट हो रहा है एवरी 15 डेज सर इट इज अपडेटेड अभी आपने मिड जर्नी का बेच दिया में आ क्योंकि मुझे की में बहुत मजा आता है तो मैं ऑफलाइन इवेंट्स करता हूँ अब तो वहां मुझे मजा आता है और ऐसे लोग जो कि आईटी बैकग्राउंड से भी नहीं है यानी uh. कि उनको सॉफ्टवेयर की भी कोई नॉलेज नहीं है फिर भी वो कोर्सेज बेच रहे हैं एआई से रिलेटेड एमएल से रिलेटेड क्योंकि ये आज की डेट में एक बजवर्ड है तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू एन कैश एट तो वट यू से टू यूजर्स जो अभी देख रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को कर लो सर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सी अगर आप लोन वोन लेके कर रहे हो तो इसका बिल्कुल नुकसान है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे को इसमें फायदा ही दिखता है सर मुझे क्योंकि लगता है कि चलो कुछ तो सीखेगा खरीद के अगर तो, वो अफोर्ड कर सकते हैं अगर, तो, अगर अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप सीखना भी तो सही सोर्स से होता है ना सीखना भी सही सोर्स होता है तो आई टेल यू द लिटमस टेस्ट फॉर दिस राइट आपको पहले चेक करना है कि इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है

सो दैट अगर कोई और डिटेल में सीखना चाहता है दट टू फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो सीख सके फ्री फ्री एजुकेशन में लाइफ में कुछ भी वैल्यूबल सीख है फ्री में सीखा है इट वज प्ले यू मीटिंग यू प्ले यू टॉक इंग टू यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सीज एन